हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज हम जानने वाले हैं कि आखिर क्यों इंडिया के मोबाइल से एफएम चुपचाप गायब कर दिया गया। और आज आप एक ऐसा पीकॉक भी देखने वाले हैं जो कि चाइनीज ड्रैगन की तरह अपने मुंह से आग निकालता है। साथ ही साथ क्या कभी हमने सोचा है कि आखिर क्यों इंडियन गेम फौजी देखते ही देखते पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के नॉलेजेबल अध्याय को। फैक्ट नंबर 22। हमें से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कि अपना नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि अब आप अपने नाम को बदलने के साथ साथ पूरी ही जिंदगी फ्री में खाना भी खा सकते हैं। असल में भी हाल ही में अमेरिकन फूड चेन कंपनी सबवे ने यह अनाउंस कर दिया है कि अगर कोई भी इंसान उनकी वेबसाइट पर जाकर लीगली अपने फर्स्ट नाम को सबवे रख लेता है तो ये फूड कंपनी उसे लाइफ टाइम फ्री में सैंडविचेस खिलाती रहेगी। लेकिन हाँ, इनकी टर्म एंड कंडीशन सिर्फ इतनी सी है कि भले ही आप अपने नाम को चेंज कर लें, लेकिन फिर भी ये कंपनी पूरी दुनिया में किन्हीं भी दो या फिर तीन लकी विनर्स को ही सेलेक्ट करके उन्हें ही फ्री में फूड सप्लाई करेगी। तो गाइज, अगर आप चाहें तो अपने लक को आजमा सकते हैं। फैक्ट नंबर 21। गाइज, आज भी जब भी हमें कोई इंजेक्शन लगाया जाता है तो उस इंजेक्शन की कांच की बोतल या फिर वाइल को कुछ इस तरीके से तोड़ा जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस पूरे ही प्रोसेस में एक ऐसी चीज भी होती है जिसे सिर्फ और सिर्फ आप माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। असल में गाइज, अभी आपको एक इंजेक्शन के लिक्विड की माइक्रोस्कोपिक वीडियो दिख रही है जिसमें आप बेहद ही साफ तौर से देख सकते हैं कि कैसे इस बोतल या फिर वाइल के टूटने के बाद कुछ क्वांटिटी में बेहद ही थिन ग्लास इस लिक्विड में फिर भी मौजूद होता है, और ये इतना ज्यादा थिन होता है कि ये बेहद ही आसानी से नीडल के अंदर जाकर आपकी बॉडी में भी इंजेक्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप इंजेक्शन लगवाने जाएं तो उस वाइल को एक बार ढंग से जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 20। गाइस, क्या आपको पता है कि अब बहुत ही जल्द आप भारत में एक ऐसे मॉल को भी देखने वाले हैं जिसमें आपको अंदर ना ही एक भी एम्प्लॉय नजर आएगा और ना ही एक भी कैशियर। असल में गाइस, ये कॉन्सेप्ट लिया गया है दुबई के केयरफोर मॉल से, जहां पर एंटर होने से पहले आपको अपने मोबाइल नंबर के साथ साथ अपने डेबिट कार्ड के नंबर को भी डालना होता है। अब इस मॉल के अंदर मौजूद हर एक हाईटेक कैमरा आपके हर एक मूवमेंट पर नजर रखता है, और आप जैसे ही शेल्फ से किसी भी सामान को उठाकर अपनी ट्रॉली या फिर बैग में डालते हैं, वो ऑटोमेटिकली उसके पैसे आपके अकाउंट से डेबिट कर देते हैं। एंड इन द लास्ट, जैसे ही आप पूरा सामान लेकर इस मॉल से बाहर निकलते हैं, एक ऑटोमेटिक रिसीप्ट आपके फोन नंबर पर आपको रिसीव हो जाती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस पूरे ही कॉन्सेप्ट को उठाकर भारत के बहुत से बड़े बड़े स्टार्टअप्स इसे इंडिया लाने का ट्राई कर रहे हैं, और अगर ये सारी चीजें स्मूथ चलती रही तो साल 2027 तक भारत की बहुत सी मेट्रो सिटीज में आपको कुछ इस तरीके के फुली ऑटोमेटेड मॉल्स देखने को जरूर मिलेंगे, जो चीज हर भारतीय के लिए एक गर्व की बात जरूर होगी। फैक्ट नंबर 19। गाइस, क्या आपको बताया कि साल 2015 में हमारे साइंटिस्ट ने हमारी अर्थ से 5 बिलियन लाइट ईयर दूर मौजूद एक गैलेक्सी से एक निकलते हुए सिग्नल को कैप्चर किया था। अब भले ही ये चीज आपको सुनने में काफी ज्यादा कॉमन सी लग रही हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारी अर्थ की टोटल एज ही 4.5 बिलियन ईयर्स है, यानी कि टेक्निकली ये सिग्नल उस गैलेक्सी से जिस समय पर भेजा गया था उस समय हमारा अर्थ का अस्तित्व ही नहीं था, और इसलिए ये सिग्नल अपने आप में ही काफी ज्यादा यूनिक बन जाता है। तो अगर चीज इतनी ज्यादा यूनिक है तो माइंड आर्मी का इसे सुनना तो बनता ही है। गाइज, अगर आप चाहते हैं कि इन्हीं तरीके के रेयर रेयर फैक्ट्स मैं आप तक लाता रहूं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है। फैक्ट नंबर 18। गाइस, क्या आपको पता है कि ओला स्कूटर्स एक बार फिर से इंडिया के अंदर सुर्खियां बटोर रहा है, लेकिन इस बार का रीजन आग लगना नहीं बल्कि बेहद ही ऑसम सा रिक्रूटमेंट है। असल में ओला स्कूटर्स ने अभी हाल ही में ऑफिशियली एक डॉग को एज ए एम्प्लॉय हायर किया है जिसका की नाम बिजली है। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि क्योंकि इस डॉग का नाम बिजली है तो इसे एम्प्लॉय कोड भी 440 वोल्ट दिया गया है, और ऐसा सिर्फ इसलिए है दोस्तों ताकि इस ऑफिस के अंदर का माहौल थोड़ा सा पॉजिटिव और क्रिएटिव बना रहे। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इस तरीके से ऑफिशियली एक एनिमल को हायर करना ना सिर्फ ऑफिस में मौजूद लोगों की मेंटल हेल्थ के लिए काफी ज्यादा अच्छा है, बल्कि स्ट्रे एनिमल्स के लिए तो ये किसी जन्न से कम नहीं है। तो गाइस, इस अमेजिंग गेस्चर पर इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 17। गाइस, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी स्ट्रॉबेरी ब्रीड भी मौजूद है जिसकी सिर्फ एक स्ट्रॉबेरी की ही कीमत इतनी ज्यादा होती है कि उसकी कीमत में आप साल भर तक घर भर के बाकी के फ्रूट्स खा सकते हैं। असल में गाइस, मैं बात कर रहा हूँ जापान में पाई जाने वाली प्रिंसेस स्ट्रॉबेरी ब्रीड की, जिसकी सभी स्ट्रॉबेरीज अपनी शेप, कलर, स्मेल और टेस्ट की वजह से काफी ज्यादा फेमस है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये स्ट्रॉबेरी खुद जापान में भी 3 से 4 सालों के बाद बेहद ही कम क्वांटिटी में ग्रो करती है, लेकिन इसके बारे में ये कहा जाता है कि जो भी इंसान इस स्ट्रॉबेरी को खाता है उसकी हेल्थ को महज एक महीने के अंदर ही काफी ज्यादा इंप्रूव कर देती है, और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए इस स्ट्रॉबेरी ब्रीड की सिर्फ एक स्ट्रॉबेरी की कीमत इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 30,000 रुपए के आसपास है, जो कि टेक्निकली हम मिडिल क्लास लोगों के लिए काफी ज्यादा है। फैक्ट नंबर 16। गाइस, इस वीडियो क्लिप को देखिए जिसमें आपको एक शख्स भालू की कॉस्ट्यूम पहनकर गर्मी में खड़ा हुआ नजर आ रहा है।
एंड वेल, सबसे पहली बात, जब इस वीडियो क्लिप को मैंने देखा या फिर आपने देखा तो आपको भी कुछ ऐसा ही नजर आया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक रेयर बियर स्पीशी है। असल में बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन चाइना में मौजूद सन बियर स्पीशी एक ऐसी रेयर बियर स्पीशी है जिसके की भालू हम इंसानों की तरह ही कुछ इस तरीके से काफी ज्यादा छोटे और पतले होते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये बियर स्पीशी इतनी ज्यादा रेयर होती है कि बहुत ही कम लोगों को इनके बारे में पता तक होता है, और इसलिए अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि मानो ये कोई बियर स्पीशी नहीं बल्कि एक इंसान बियर की कॉस्ट्यूम पहनकर उनके सामने खड़ा है। गाइज, आज अगर आपने कुछ नया जाना हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 15। गाइज, अगर आज किसी भी बिल्डिंग को 3D प्रिंटर की सहायता से बनाया जाता है तो ये चीज हमें काफी ज्यादा फैसिनेटिंग या फिर एडवांस लगती है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये टेक्नोलॉजी भी प्रेजेंट डेट की नहीं बल्कि साल 1930 की है। असल में साल 1930 में जर्मनी में कुछ इस तरीके की 3D बिल्डिंग्स को भी बनाकर तैयार किया जाता था। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि भले ही ये टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से 3D प्रिंटेड नहीं हुआ करती थी, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट 95% प्रेजेंट डेट की 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से ही मिलता जुलता है, और इसलिए बहुत से एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि एक्चुअली में 3D प्रिंटिंग के कॉन्सेप्ट को साल 1930 की जर्मनी की इसी टेक्नोलॉजी से एडॉप्ट किया गया था। सच में रेयर। फैक्ट नंबर 14। गाइज, आपने बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज में किसी भी पुलिस ऑफिसर को कुछ इस तरीके की बाइक को यूज करते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये काम करना इतना भी आसान नहीं होता। असल में बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन यूएसए में हर साल हर एक पुलिस ऑफिसर को कुछ इस तरीके का मोटरसाइकिल ड्राइविंग टेस्ट भी देना पड़ता है, जिसमें उन्हें कुछ इस तरीके से काफी ज्यादा हार्ड सिचुएशन में शार्प टर्न लेते हुए अपनी बाइक को निकालना होता है, और जो भी ऑफिसर इसे कंप्लीट नहीं कर पाता है उसे एक सर्टेन टाइम के लिए मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग से हटा लिया जाता है। वाओ। फैक्ट नंबर 13। गाइस, नॉर्मली हम एक सिटी से दूसरी सिटी तक काफी जल्दी पहुंचने के लिए एयरप्लेन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि फ्रांस में आप ये काम चाहकर भी नहीं कर सकते। असल में अभी हाल ही में फ्रांस गवर्नमेंट ने ये बात पूरी तरीके से साफ कर दी है कि अगर दो सिटीज के बीच इतना डिस्टेंस है कि अगर कोई भी ट्रेन उसे 24 घंटे के अंदर कवर कर सकती है तो उन दो सिटीज के बीच कभी भी एक फ्लाइट को नहीं चलाया जाएगा, और ऐसा सिर्फ इसलिए दोस्तों क्योंकि प्रेजेंट डेट में फ्रांस के 90% लोग ट्रेन को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ फ्लाइट से ही ट्रेवल कर रहे हैं, जिसके चलते हुए दोबारा से अपने ट्रेन के रेवेन्यू को ट्रैक पर लाने के लिए अब आप फ्रांस में सिर्फ और सिर्फ बहुत ही दूर मौजूद दो सिटीज के बीच ही फ्लाइट ट्रेवल कर सकते हैं, और वास्तव में ये नियम कुछ ज्यादा ही अजीब जरूर है। फैक्ट नंबर 12। गाइज, इस लाइन को देखिए, असल में ये है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर इस लाइन को जरा सा ही लेफ्ट साइड में मूव कर दिया जाए तो हम हर साल सीधा का सीधा 2.4 बिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकते हैं, जो कि हमारी जीडीपी का स्ट्रेट 0.1% होगा। अब ये चमत्कार होगा कैसे, चलिए समझाता हूँ। असल में इस लाइन की वजह से भारत के इस रीजन में सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर यहाँ पर सुबह 4 बजे सनराइज होता है तो वहीं भारत के लेफ्ट साइड में गुजरात में सुबह 6 बजे, लेकिन क्योंकि पूरे ही भारत में सिर्फ एक ही टाइम जोन है तो वहां के भी ऑफिस आवर्स वही हैं जो कि 6 बजे सनराइज होने वाली सिटीज या फिर स्टेट के होते हैं। अब इस कंडीशन में जब लेफ्ट साइड के ऑफिसेज में शाम का समय होता है तो इस लाइन के राइट साइड वाले स्टेट या फिर ऑफिसेज में कंप्लीट रात हो चुकी होती है, जिसकी वजह से इस रीजन में बहुत सी कंपनीज सिर्फ और सिर्फ अपने ऑफिस के अंदर उजाला करने के लिए ही बहुत बड़ी क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करती हैं। लेकिन वहीं पर ही अगर इंडिया को 2 स्टैंडर्ड टाइम जोन में बांट दिया जाए तो इस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को हम एक झटके में ही खत्म कर सकते हैं, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती क्योंकि इसका सीधा का सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा, क्योंकि इस केस में हमें जब भी कहीं पर भी ट्रेवल करना होगा तो उससे पहले हमें अच्छी खासी मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी। सो फाइनली, अभी तक तो आपने भारत के एक सिंगल टाइम जोन के फायदे तो बहुत जाने होंगे, शायद नुकसान आज आपने सबसे पहली बार जाना है। फैक्ट नंबर 11। गाइस, नॉर्मली पूरी दुनिया के सभी लोग फोन बूथ का इस्तेमाल कॉल करने के लिए करते हैं, लेकिन वही बात अगर रशिया की जाए तो आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन रशिया इसका इस्तेमाल एक बेहद ही अजीब चीज के लिए करता है। असल में रशिया में हर साल फोन बूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप बहुत बड़े स्केल पर आयोजित होती है, जिसमें दोनों ही कॉम्पिटिटर्स को एक फोन बूथ के अंदर बंद करके कुछ इस तरीके से उनसे बॉक्सिंग कराई जाती है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस चैंपियनशिप को जीतने वाले कॉम्पिटिटर को काफी मोटी धनराशि से भी सम्मानित किया जाता है, और इसलिए इस चैंपियनशिप में सिर्फ रशिया ही नहीं बल्कि देश विदेश के बहुत से लोग आकर पार्टिसिपेट भी करते हैं, और यही चीज इस बॉक्सिंग को काफी ज्यादा यूनिक और इंटरेस्टिंग भी बना देती है। फैक्ट नंबर 10। हम सभी जानते हैं कि साल 2020 में लक्जमबर्ग इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी कंट्री बनी जिसने अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरे तरीके से फ्री कर दिया, लेकिन आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि साल 2023 तक बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज ने अपने यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर दिया है, और अब तो इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया का नाम भी जुड़ चुका है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने मेलबर्न में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरे तरीके से फ्री कर दिया है। तो अब यहाँ पर ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि फिर आखिर ये वेस्टर्न कंट्रीज अपने यहाँ पर चलने वाली टैक्सीज, बसेस या फिर ऑटो रिक्शा का भैया किराया लेते
ही क्यों नहीं है। असल में गाइस ये एक परफेक्ट एग्जांपल है इनडायरेक्ट अर्निंग्स का। कैसे, चलिए समझाता हूँ। असल में जब भी किसी कंट्री में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री नहीं होता है तो वहाँ पर टूरिस्ट खुद की कार या फिर व्हीकल को उस मॉन्यूमेंट या फिर पब्लिक प्लेस पर लेकर पहुँचते हैं, जिसके चलते हुए किसी भी कंट्री के मेन टूरिस्ट प्लेस पर अक्सर काफी ज्यादा ट्रैफिक जैम लगा रहता है। एंड एज अ रिजल्ट बहुत से टूरिस्ट सिर्फ इसी चक्कर में उस टूरिस्ट प्लेस को विजिट करने से बचते हैं। लेकिन जैसे ही एक कंट्री में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरी तरीके से फ्री किया जाता है, लोग ज्यादा से ज्यादा उसी फ्री सर्विस का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और वो कभी भी अपने व्हीकल को लेकर जाते ही नहीं है, जिससे ना सिर्फ टूरिस्ट प्लेस पर भीड़ काफी ज्यादा कम होती है बल्कि ट्रैफिक जैम जैसी समस्या भी हमें देखने को नहीं मिलती और एक कंट्री इनडायरेक्ट तरीके से उस मॉन्यूमेंट की टिकट या फिर चीजों को बेचकर उनसे कहीं ज्यादा कमा लेती है जितना कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करके गंवाती है। और इसलिए अब ये इनडायरेक्ट रणनीतियां बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज अपना रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्योंकि इंडिया में भी काफी सारा टूरिस्ट आते हैं तो क्या इंडिया में भी ये चीज अप्लाई कर देनी चाहिए? आप अपनी राय नीचे कॉमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। फैक्ट नंबर 9। नॉर्मली जब भी हम हमारी गाड़ी में बैठते हैं तो कभी कभार हम हमारे दरवाजे को काफी तेज बंद या फिर स्लैम कर देते हैं। लेकिन क्या आपको बताया कि अगर आपने यही काम स्विट्जरलैंड में कर दिया तो दरवाजा तो बंद होगा लेकिन गाड़ी का नहीं बल्कि जेल का। असल में स्विट्जरलैंड में बहुत लंबे समय तक एक ऐसे नियम को भी पारित किया गया था जिसमें कोई भी इंसान अगर रात के 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कभी भी अपने गाड़ी के दरवाजे को काफी तेज आवाज के साथ बंद करता था तो उसे वहां की जेल में डाल देती थी। और ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि उन्हें ये लगता था कि ऐसा करने से आसपास एरिया में मौजूद लोग काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। एंड गेस व्हाट, ये नियम स्विट्जरलैंड में कितने बड़े स्केल पर माना जाता था इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हैं कि स्विट्जरलैंड में एवरेज हर एक महीने में 200 से भी ज्यादा ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जाता था जो कि रात में अपनी गाड़ी का दरवाजा तेज बंद करते थे। लेकिन क्योंकि ये नियम काफी ज्यादा अजीब था तो आगे चलकर अब इसे पूरे तरीके से हटा लिया गया है। फैक्ट नंबर 8। गाइस आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि बड़े बड़े सुपरमार्केट्स में अक्सर जमीन पर छोटे छोटे टाइल्स को लगाया जाता है लेकिन जब एक बिल्डिंग को बनाने में ही करोड़ों रुपए का खर्च किया जाता है तो आखिर उसमें फिर बड़े टाइल्स की जगह छोटे टाइल्स लगाए ही क्यों जाते हैं? असल में इसके पीछे का कारण आपको ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग कराना है क्योंकि एज वी ऑल नो कि अगर छोटे छोटे टाइल्स के ऊपर से आप अपनी शॉपिंग ट्रॉली को चलाते हैं तो वो एज कम्पेयर टू बड़े टाइल्स काफी ज्यादा आवाज करती है जिससे आप अपने आप में ही हेजिटेट हो जाते हैं और उस आवाज को कम करने के लिए आप अपनी शॉपिंग या फिर ट्रॉली की स्पीड को स्लो कर देते हैं। अब क्योंकि आपने अपनी स्पीड सुपरमार्केट में कम कर दी है तो आपको एक नजर में ज्यादा प्रोडक्ट दिखेंगे जिससे आपका उस प्रोडक्ट को खरीदने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे और इसलिए टेक्निकली अपनी सेल को बढ़ाने के लिए बहुत से सुपरमार्केट इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको बताया कि इस दुनिया में एक ऐसा पीकॉक भी मौजूद है जो कि चाइनीज ड्रैगन की तरह अपने मुंह से आग निकालता है? वेल, इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद आपके भी दिमाग में ये बात तो जरूर आई होगी लेकिन किसी भी कंक्लूजन तक पहुंचने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है बल्कि ये एक बेहद ही रेयर फिनोमेना होता है। असल में जब एक पीकॉक सूरज के सामने एग्जैक्टली सही वे में खड़ा होकर तेज आवाज में बोलना शुरू कर देता है तो उसके मुंह की ग्लैंड से अलग अलग तरीके के केमिकल्स निकलते हैं जो कि हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एक इनविजिबल से क्लाउड को बना देते हैं। लेकिन जैसे ही उस इनविजिबल क्लाउड के ऊपर सनलाइट पड़ती है तो कुछ सेकंड्स के लिए कुछ ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है जिसमें हमें ऐसा लगता है कि मानो ये पीकॉक अपने मुंह से आग निकाल रहा हो। लेकिन इस चीज को बेहद ही सटीक अंदाज में रिकॉर्ड कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है और इसलिए ये वीडियो किसी जैम से कम नहीं है। तो गाइस अगर आप इन्हीं तरीके के रेयर फैक्ट्स देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 6। गाइस क्या आपको पता है कि 90% ऐसे चांसेस हैं कि आप जिन भी कपड़ों को पहनते हैं वो कभी भी इंडिया के हो ही ना। असल में बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा लेकिन इंडिया में हर साल साउथ कोरिया, जापान, यूरोप और यूएसए से लगभग 5,000 करोड़ डिस्कार्डेड क्लोथ्स को इंपोर्ट किया जाता है जिसके बाद उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है जिसके चलते हुए सबसे पहले तो उन कपड़ों को अलग कर दिया जाता है जिनके टैग तक हटे नहीं होते और उन्हें दोबारा से वॉश करके सस्ते दाम में मार्केट में उतार दिया जाता है जबकि बाकी के कपड़ों से वूल, कॉटन और अलग अलग फाइबर्स को अलग करने के बाद उन्हें रिसाइकिल करके दोबारा से इंडियन मार्केट स्टाइल में उन्हें डिजाइन करके दोबारा से कपड़े बना दिया जाता है। और इसलिए अगर टेक्निकल बेसिस पर देखा जाए तो हम पूरी जिंदगी में जितने भी कपड़े पहनते हैं 90% केसेस में उनका ओरिजिन कभी भी इंडिया में हुआ ही नहीं होता। फैक्ट नंबर 5। गाइस क्या आपको पता है कि इंडियन ई कॉमर्स कंपनी दुकान भारत की सबसे पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसने अपने 90% स्टाफ को स्ट्रेट एक एआई चैटबॉट लीना से ही रिप्लेस कर दिया है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस चीज को खुद इस कंपनी के फाउंडर सुमित शाह ने सामने आकर दुनिया को बताया है जिसमें उनका ये कहना है कि भले ही ये डिसीजन उनके लिए काफी ज्यादा टफ रहा हो लेकिन ऐसा करते ही उन्होंने अपने कंपनी के 85% खर्चों को कम करने के साथ साथ अपनी प्रोडक्टिविटी को लगभग दुगना कर दिया है और इसलिए ये भारत की सबसे पहली ऐसी कंपनी बन चुकी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 10% ही ह्यूमन पावर मौजूद है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 4।
गाइस नॉर्मली किसी भी कंट्री के आसमान में हमें एक सिंगल प्लेन उड़ता हुआ नजर आता है, लेकिन वही बात अगर यूएसए की जाए तो आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन यूएसए में एक ऐसा नजारा भी आपको देखने को मिलता है जिसे देख शायद आपको अपनी आंखों पर विश्वास ना हो। असल में यूएसए के आसमान में अक्सर लोगों को कुछ इस तरीके का एक प्लेन दूसरे प्लेन के ऊपर रखता हुआ उड़ता हुआ नजर आता है, और ऐसा सिर्फ इसलिए दोस्तों क्योंकि इन प्लेन्स को स्पेस शटल कैरियर्स कहा जाता है, जिनका की इस्तेमाल पूरी दुनिया में सिर्फ नासा अपने स्पेस शटल को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन ले जाने के लिए या फिर उनका कुछ हवा में कुछ इस तरीके से लॉन्च करने के लिए ही इस्तेमाल करता है, और यही वो कारण है जिसके चलते हुए ये नजारा पूरी दुनिया में आपको सिर्फ और सिर्फ यूएसए के आसमान में ही देखने को मिलता है, और यही चीज इस वीडियो क्लिप को काफी ज्यादा ऑसम और रेयर भी बना देती है। फैक्ट नंबर 3, दूसरा फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको बताया गया अभी हाल ही में केरल में रहने वाले जिथिन विजयान ने 43,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करके अपने नाम एक नए रिकॉर्ड को कर लिया है, और ये चीज हर भारतीय के लिए एक गर्व की बात जरूर है। फैक्ट नंबर 2, आखिर क्यों इंडियन गेम फौजी देखते ही देखते फ्लॉप हो गया। असल में गाइस जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब 2 सितंबर साल 2020 को भारत के अंदर से ऑफिशियली पबजी को बैन किया गया तो उसके ठीक 2 दिन के बाद ही बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने फौजी गेम को इंडियन यूथ के सामने इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसके चलते हुए लोग इस गेम को खेलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हो गए, एंड गेस व्हाट, अपने लॉन्च होने के कुछ ही दिनों के बाद इस गेम को अच्छे खासे डाउनलोड भी मिल गए। लेकिन आखिर फिर ऐसा क्या हुआ जिसके चलते हुए ये गेम अचानक से ही फ्लॉप हो गया। असल में गाइस इसके पीछे बहुत से कारण हैं। बात अगर सबसे पहले कारण की जाए तो वो है ओवर प्रोमिसेस एंड अंडर डिलीवरी। असल में जब इस गेम के ट्रेलर को लॉन्च किया गया था तो उसमें काफी ज्यादा हाई एनिमेशन के साथ साथ अलग अलग तरीके के वेपन्स भी दिखाए गए थे, लेकिन एक्चुअली में जब इस गेम को मार्केट में उतारा गया तो आप उसमें किसी भी वेपन का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते थे, और ये सभी गेमर्स के लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था। इसके साथ ही क्योंकि लोग बहुत बड़े स्केल पर पबजी के एडिक्टेड थे तो उन्हें भी इस गेम के अंदर मल्टीप्लेयर का ऑप्शन चाहिए था, लेकिन इस गेम के डेवलपर्स ने शुरुआती दौर में मोड दिया ही नहीं, और ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना इस गेम के फ्लॉप होने का। वही दोस्तों अब बात अगर दूसरे कारण की जाए तो वो है फ्री मार्केटिंग। असल में इस गेम के डेवलपर्स ने बेहद ही इंटरैक्टिव तरीके से इसे इंडियन आर्मी से जोड़कर मार्केट में उतार दिया, जिससे नो डाउट इस गेम को फ्री में इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी और मार्केटिंग मिल गई जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। लेकिन फ्री मार्केटिंग और पब्लिसिटी के साथ साथ लोगों की इस गेम के प्रति एक्सपेक्टेशन भी काफी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन जब ये गेम लॉन्च हुआ तो इसमें इतनी डेप्थ टाइमलाइन थी ही नहीं, और लोग अक्सर इस गेम को थोड़े ही समय खेलने के बाद काफी ज्यादा बोर हो जाया करते थे। वही दोस्तों अब बात अगर तीसरे और मेन कारण की जाए तो वो है एनिमेशन क्वालिटी। असल में जब इस गेम की ट्रेलर को लॉन्च किया गया था तो उसमें हाई लेवल की मार्केटिंग की गई थी, लेकिन लॉन्च होने के बाद कुछ ही समय में बहुत से यूजर्स ने इस गेम को खेलना सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इसमें ना ही एनिमेशन अप टू द मार्क था और ना ही ये स्मूथ तरीके से चलता था, बल्कि इससे उल्टा इस गेम में भर भर के बग्स थे जिसके इसके डेवलपर्स 5 से 6 महीने के बाद भी ठीक नहीं कर पाए, एंड एज अ रिजल्ट इस गेम के प्रति लोगों की एक्सपेक्टेशन जितनी स्पीड से बढ़ी थी उससे कहीं ज्यादा तेजी के साथ वो नीचे आ गई, और देखते ही देखते ये गेम अपने आप में एक बहुत बड़ा फ्लॉप बन गया। वैसे क्या कभी आपने इस गेम को खेलकर ट्राई किया है, अपने आकाशवाणी को नीचे कमेंट में बताइएगा जरूर। फैक्ट नंबर 1, आखिर क्यों इंडिया के फोन से FM चुपचाप गायब कर दिया गया। असल में गाइस आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि शुरुआती दौर में जब स्मार्टफोन्स को मार्केट में उतारा गया था तो उसमें FM रेडियो या फिर रेडियो की एक अलग ऐप मौजूद हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही मार्केट में 4G या फिर 5G स्मार्टफोन्स को उतारा गया तो उनसे इन तरीके की एप्स को पूरे ही तरीके से हटा लिया गया। तो फिर आखिर ऐसे में सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि जब एक फीचर एंड्रॉइड में दिया जा चुका था तो एक्चुअली में लेटेस्ट स्मार्टफोन से उसे वापस लिया ही क्यों गया। असल में गाइस इसके पीछे ओवरऑल एक बहुत बड़ी बिजनेस रणनीति है जिसे इस इकोसिस्टम में काम करने वाली सभी कंपनियों का इनडायरेक्ट बहुत बड़ा फायदा होता है, और आज वो सारे ही बेनिफिट्स मैं आपके सामने ला कर रखूंगा। असल में गाइस अगर एक फोन में FM रेडियो को डालकर दिया जाएगा तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी ये जनरेट होगी कि बहुत से यूजर्स बहुत सी ऐसी म्यूजिक स्ट्रीमिंग एप्स का इस्तेमाल करें ही ना जिस पर सिर्फ और सिर्फ आपको गाने ही सुनने को मिलते हैं। अब इस कंडीशन में अगर आप उन एप्स को अपने फोन के अंदर डाउनलोड करेंगे ही नहीं तो ना ही आप उन एप्स में मौजूद एड्स को देखेंगे और ना ही उनके कभी भी सब्सक्रिप्शन को खरीदेंगे, जिससे इन एप्स का बिजनेस काफी ज्यादा डाउन हो जाएगा। साथ ही साथ बहुत सी बार बहुत सी स्ट्रीमिंग एप्स को भी हम हमारे एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं, लेकिन अगर वही एंटरटेनमेंट आपको FM के जरिए फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाए तो बहुत बड़ी पब्लिक इन एप्स को विजिट करेगी ही नहीं। वहीं दोस्तों अब बात अगर दूसरे बेनिफिट की जाए तो वो खुद मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का ही होता है। एज वी ऑल नो कि FM को रिसीव करने के लिए फोन के अंदर एक रिसीवर को इंस्टॉल किया जाता है जिसकी अपने आप में ही कुछ कॉस्ट जरूर होती है। अब अगर उस रिसीवर को फोन से हटा लिया जाए तो फोन की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो कम हो जाएगी लेकिन मार्केट
में कंपनीज उसको उसी दाम पर बेहद ही आसानी से बेच सकती हैं, जिससे सीधा का सीधा इन कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो वहीं दोस्तों अब इस इकोसिस्टम में मौजूद तीसरी तरीके की कंपनी के बेनिफिट की बात की जाए तो वो है मोबाइल नेटवर्क कंपनीज। असल में बहुत से लोगों को म्यूजिक सुनने का इतना ज्यादा शौक होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ इन एप्स पर म्यूजिक सुनने के लिए ही मोबाइल डेटा रिचार्ज कराते हैं। अब अगर आपको ये सारा ही एंटरटेनमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट एफएम के थ्रू मिल जाता है तो अगेन दोबारा से ही बहुत बड़ी पब्लिक मोबाइल डेटा रिचार्ज कराएगी ही नहीं। और इसलिए अगर आप ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि सिर्फ फोन से एफएम ऐप को हटा देने से ही म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप, मोबाइल नेटवर्क कंपनी और खुद मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को भी एक झटके में ही प्रॉफिट हो जाता है। और इन कंपनीज की यही ट्रिक अभी हाल ही में ट्राई ने भी पकड़ ली है, जिसके चलते हुए ट्राई ने इन सभी कंपनीज को साफ तौर से कह दिया है कि आप ये डिसाइड करने वाले कोई भी नहीं होते हैं कि कौन सा यूजर एफएम सुनना चाहता है और कौन सा नहीं। आपको ये फीचर हर फोन में देना मैंडेटरी होगा और इसलिए मे बी अब आगे आने वाले नए स्मार्टफोन्स में आपको दोबारा से एफएम ऐप देखने को मिल सकती है। सो फाइनली अब आप इन कंपनीज के एक बहुत बड़े सीक्रेट को भी जानते हैं। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। 15,000 लाइक्स वीडियो का लाइक टारगेट है, इसे प्लीज कंप्लीट कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप अगर मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो गूगल पर जाकर आकर सोरा टाइप कीजिए, गूगल देता सीधा सीधा आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी तक ले आएंगे। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड आपसे दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। और हां, जाने से पहले इस वीडियो को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा।